मूवी तो डेफिनेटली बहुत बड़ी हिट होगी। गाना मूवी के लिए बना है, मूवी गाने के लिए नहीं बनी। कावा सुन कावा हो कि तो लब के ले आ मेरा यारा। मैं सच बताऊंगा, मुझे ऐसे ही गाने पसंद है ना, गाने के साथ इंसाफ हो और मजा आए बेसिकली उन लोगों को। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूं सुधीर यदुवंशी और आप मुझे देख रहे हैं बजूका पर। हेलो, मैं हुदामिनी और आप देख रहे हैं बजूका। और आज हमारे साथ एक ऐसे सिंगर यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी आवाज़ इस समय सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब तक हर जगह ट्रेंड कर रही है। तो मोस्ट वेलकम सुधीर ऑन बजूका, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया पर इस समय आपका सॉन्ग कावा कावा खूब ट्रेंड कर रहा है, फिर वो चाहे यूट्यूब हो, रील्स हो, शॉर्ट्स हो, हर जगह, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सी, आजकल सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हर एक आर्टिस्ट के जीवन में, और आजकल यही सोचते हैं सब कि भाई मेरी कोई रील, कोई म्यूज़िक, जो गाना मैंने गाया है या कोई मैंने एक्ट किया है, वो वायरल चला जाए, सब लोग उसको देखें, अप्रिशिएट करें। और कावा कावा ट्रेंड कर रहा है हर जगह, यूट्यूब पर हो या इंस्टाग्राम पर हो या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है सब देख के, पॉजिटिव कमेंट्स देख के, पॉजिटिव हर चीज़ पॉजिटिव देख के। बीच बीच में होती है नेगेटिव भी, वो भी ज़रूरी है, लेकिन मैक्सिमम पॉजिटिव रिस्पांस है और मैं बहुत खुश हूँ ये देख के। गाने की जब ट्रेंड की बात होती है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस समय कहीं ना कहीं मूवी की रिलीज से पहले ही गाना चारों तरफ छाया हुआ है और मूवी जल्द ही रिलीज़ होने वाली है, तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है आपका उससे ले? मूवी तो डेफिनेटली बहुत बड़ी हिट होगी, ये मेरा पर्सनल बिलीव है, क्योंकि देखो गाना मूवी के लिए बना है, मूवी गाने के लिए नहीं बनी बेसिकली, तो वो मूवी चलेगी तो गाना ऑब्वियसली और ज़्यादा चलेगा। वो पूरी की पूरी मूवी को जो प्रमोट किया जा रहा है, कावा कावा हमारा जो टाइटल ट्रैक है, इसके थ्रू किया जा रहा है, बहुत बड़ा हिट होने वाला है पक्का, और मूवी तो उससे भी बड़ी पक्का हिट होने वाली है, क्योंकि जितना मैंने सुना है, क्योंकि मैंने जो लोगों ने बनाई है मूवी उन लोगों के साथ बैठा है और उन्होंने ही मुझे ब्रीफ किया गाने के बारे में, उन्होंने ही मुझे कुछ विजुअल्स दिखाए, कुछ मूवी के कुछ सीन्स दिखाए, और उन सीन्स को देख के मेरे अंदर एक इंस्पिरेशन आई और मैं मोटिवेट हुआ और मेरे अंदर एक पावर आई कि यार इस सीन के हिसाब से मुझे गाना है ना, ये कितना पावरफुल सीन है, मुझे मतलब वैसा ही पावरफुल गाना है जैसा गाना है, जैसा सीन, जैसी मूवी है बेसिकली। तो बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और उम्मीदों पर खरे भी उतरने वाले हैं, क्योंकि ये मूवी डेफिनेटली बहुत बड़ी हिट होने वाली है। जैसा कि आपने विजुअल के बारे में बात किया, तो विजुअल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके लिए काफ़ी एनर्जेटिक वॉइस की भी ज़रूरत थी कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरह से सीन में बाकी सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो आपके लिए कितना मुश्किल रहा इस एनर्जेटिक सॉन्ग को परफॉर्म करने के लिए? मैं सच बताऊँगा, मुझे ऐसे ही गाने पसंद हैं, मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। मुश्किल सिर्फ इतना था कि बड़े बड़े जिन लोगों को हम मतलब कि अप्रिशिएट करते हैं, सुनते हैं, जिनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है, जिनके साथ हमने काम नहीं किया, लेकिन हमारा सपना है काम करने का, है ना, चाहे वो शाह सर हो, चाहे वो धर्मा प्रोडक्शन हो, चाहे वो अजीम सर हो, तो बेसिकली वो लोग ने मुझे अपना टाइटल ट्रैक गाने के लिए बुलाया, मैंने वो गाया, ये मेरे लिए बड़ी बात थी, और वही मेरे को एक थोड़ी सी नर्वसनेस थी कि यार मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरूँ, सही से गा पाऊँ, है ना, गाने के साथ इंसाफ हो और मज़ा आए बेसिकली उन लोगों को, बाकी फिर जो हिट हो नहीं हो वो बात की बात है, लेकिन पहले उन लोगों को मज़ा आना चाहिए बेसिकली जिनके लिए मैं काम करने जा रहा हूँ, और वो बहुत खुश थे और उनको खुश देख के मैं भी बहुत खुश था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया बड़ा। लास्टली, फैंस के लिए आपका वायरल सॉन्ग कावा कावा एक बार आप सुनना चाहेंगे? आप सभी सुनना चाहेंगे? ठीक है, मैं ज़रूर सुनाता हूँ। काली काली रत्ता कीवे कट्टा मेरे यारा, कीवे कट्टा मेरे यारा, कीवे कट्टा मेरे यारा, तेरे लिए मैं ते लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना जग सारा, लड़ जाना तेरे लई, हर सितम नू हर जुलम सीने ते ले जावा, तेरे लई हर सितम नू हर जुलम सीने ते ले जावा, सुन कावा कावा सुन कावा हो कितों लब के ले आ मेरा यारा, कावा वे सुन कावा हो कितों लब के ले आ मेरा यारा। थैंक यू सो मच।
और बेस्ट विशेस है आपका ये सॉन्ग ऐसे ही वायरल होते रहे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।